हेलो दोस्तों, आज ये बहुत बड़ी अपडेट। हाइलाइट्स केंद्र ने कहा, स्कूल खोलने से पहले कई फैक्टर्स और पहलुओं को ध्यान में रखेंगे और यूपी में 1 जुलाई से खुल रहे प्राइमरी और जूनियर स्कूल लेकिन सिर्फ स्टार टीचर आएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की बात में सच्चाई नहीं। ठीक है, नई दिल्ली, कोरोना की तीसरी लहर कमज़ोर पड़ने के साथ ही कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड समेत देश के अलग अलग राज्यों में जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज कब से खुलेंगे। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही राज्य सरकारें अब स्कूल खोलने की लेकर घोषणा करेगी। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल मार्च से ही सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई जो है क्लासेस चल रही हैं। स्कूलों को खोलने को लेकर राज्य सरकारें अपने स्तर पर फैसला करेंगी। आइए जानते हैं स्कूल खोलने को लेकर विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति है। पूरे भरोसे के बाद ही स्कूल खोलने को लिया गया है ये फैसला। ठीक है, यूपी में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। यूपी सरकार ने 1 जुलाई से प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को खोलने का फैसला दिया। इस दौरान स्कूलों में सिर्फ प्रशासनिक काम होंगे। बच्चों को अभी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। स्कूल में सिर्फ टीचर और अन्य स्टाफ ही आएंगे। बच्चों की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन ही जारी रहेगी। राज्य की अपनी अपनी स्थिति देख लीजिएगा। यूपी में 1 जुलाई से खुलेंगे, सिर्फ स्टार टीचर आएंगे। ठीक है, यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी वहाँ पर। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। तेलंगाना में 20 जून तक बंद रहेगा। जम्मू कश्मीर 30 जून तक खुलेंगे कॉलेज बंद। आंध्र प्रदेश में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। गोवा अभी कोई फैसला नहीं, 21 जून से ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लेना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा।